बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस के अंदर किडनी के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर हमने किडनी को डिटेल्स में पढ़ा है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, सारा कुछ ऑलरेडी हो चुका है। सो आज हम उनके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, मसलन किडनी के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो किडनी प्रॉब्लम्स आज हमारा टॉपिक होगा। सो किडनी प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। मसलन हमने इसमें यानी यूरिन फॉर्मेशन देखी थी कि किडनी क्या कर रहे होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग यूरिन फॉर्मेशन, सॉरी यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन के अंदर स्टेप्स क्या क्या थे, मसलन सबसे पहला जो स्टेप था वो प्रेशर फिल्ट्रेट आता था, प्रेशर फिल्ट्रेट। देन जो सेकंड स्टेप था वो उसकी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन थी, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही। सो यहाँ पे मेरा जो कहने के हमारे जो टॉपिक से कंसर्न होगा वो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में है कि मसलन अगर कैल्शियम आयंस ये रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है, कैल्शियम आयंस ये वापस रीअब्सॉर्ब करेगा यानी फिल्ट्रेट में से, तो इस दौरान क्या होता है कि अगर कैल्शियम आयंस ज्यादा है ना, सो इट विल गोना रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। समटाइम्स ऑक्सैलिक एसिड हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है। मसलन ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास कहाँ से आता है, वेजिटेबल्स होती हैं बहुत सी, सही से मैं चला यहाँ पे नहीं लिखता बल्कि ये डायग्राम थोड़ी सी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगा, मसलन वेजिटेबल्स होती हैं, खासतौर पर टमाटर्स में बहुत होता है ये, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं और टोमेटोज हैं, सही। सो वेजिटेबल्स स्पेशली टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड की तादाद बहुत होती है, ठीक है। यानी कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और साथ कह रहे हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड मौजूद हो, सही। यानी कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सैलिक एसिड आता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। मसलन ऑक्सैलिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊ ना, सो ये होता है इस तरह CH2CH2CH, इसके साथ इसके साथ कैल्शियम रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से मैं शायद ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर गलत बना रहा हूँ, बल्कि इसे इस तरह नहीं होता। ऑक्सैलिक एसिड मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये होता है इसी तरह लाइक COOH, यहाँ पे भी HCOOH, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड, इट इज ऑक्सैलिक एसिड, सही। सो ये जो ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्सैलेट बना लेता है, मसलन यहाँ पे हो जाएगा HCOCA हो जाएगा यहाँ पे भी, सॉरी CA, सिमिलरली C डबल बॉन्ड OH ओ सी ए बना लेगा, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सैलेट। और जब कैल्शियम ऑक्सैलेट की ज्यादा तादाद होती है तो ये किस शक्ल में चला जाएगा, स्टोन की शक्ल में, सो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टोन। सो इन इट इज ऑल अ केमिकल रिएक्शन। बताने का मकसद ये था कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सैलिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके खासतौर पर किडनीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि किडनीज के अंदर आयंस की ट्रांसफर हो रही होती है, यहाँ पे आयंस कंसंट्रेटेड शक्ल में होते हैं। सो जो कैल्शियम है ये एक ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सैलेट बना सकता है। इस तरह कैल्शियम यूरिएट क्रिस्टल्स भी बनते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सैलेट के अलावा यूरिएट क्रिस्टल्स भी होते हैं, सही। सो इनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं, इसकी आपको डायग्राम भी नजर आ रही है, सही। सो इसमें अगर आप देखें तो ये अब किडनी के अंदर एक स्टोन मौजूद है या एक यूरेटर के अंदर स्टोन मौजूद है। सो ये कहाँ पे, यानी यूरिन फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, अगर इस यूरिन के अंदर ज्यादा कैल्शियम हो और कह रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड आयंस मौजूद हों तो, या फिर यूरिक एसिड ज्यादा मौजूद हो, वो आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना लेंगे, ठीक है। सो ये किडनी स्टोन्स कहलाएंगे। स्टोन क्या 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 कह लेंगे फंक्शन होता है कि इट ब्लॉकेज, ठीक है, ये एक ब्लॉकेज से क्रिएट कर देगा, जहां पे भी मौजूद होगा उस ब्लॉकेज से फिर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। आप पूछेंगे जी इन्फ्लेमेशन क्या होती है, चलो इन्फ्लेमेशन को सिंपल कह लेंगे, यानी ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे ऐसा किडनी खत्म होना शुरू हो जाएंगे और रीनल फेलियर की तरफ केस जाता जाएगा, सही। सो यानी अब इसमें जो कैल्शियम ऑक्सैलेट है ना, ये जो स्टोन है, ये ऑलमोस्ट 70% केसेस के अंदर हमें
किडनी के स्टोन्स में ये मिलता है, सही। और एक और स्टोन जो अभी हमने बात की 10% इसी तरह जो उनसे है, हमें मिलता है यूरिएट। सो ये 10 नहीं है, ये 15 है, सही। 15% हमें कैल्शियम यूरिक एसिड के साल्ट आएंगे, यानी कैल्शियम यूरिएट मिलेगा, ठीक है। यानी यूरिएट के कम चांसेस अब ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट बनते हैं, ठीक है जी। और ये जो इकट्ठे होते जाएंगे और इनका स्टोन बन जाएगा, स्टोन क्या करेंगे, ब्लॉकेज करेगा। ब्लॉकेज से जारी बात है सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा और ऑर्गन डैमेज की तरफ केस जाता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे लास्ट में स्टेज आती है रीनल फेलियर, जब गुर्दे काम करना बिल्कुल खत्म कर देते हैं, सही। सो यानी ये जो सारा स्टोन फॉर्मेशन का जो सा लिंक है, ये जाके किसके साथ होता है, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। यानी बाज दफा आयंस की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है ब्लड के अंदर के वो आयन ज्यादा रिलीज होते हैं, और जिसकी वजह से वो जब आएंगे इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर, या कह लें कि जो यूरिन के अंदर अगर आयंस की ज्यादा तादाद होगी तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। और ये स्टोन जरूरी नहीं है यहाँ पे बने, स्टोन यहाँ पे भी बन सकता है, लाइक यहाँ पे भी स्टोन एक आ सकता है, लाइक यहाँ पे भी स्टोन बन सकता है। सो जहाँ पे ये रिएक्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अकुमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो अकुमुलेशन है ना, अकुमुलेशन ऑफ कैल्शियम यूरिएट या कैल्शियम ऑक्सलेट, ये स्टोन बनाएगा, ठीक है। और ये स्टोन फिर ब्लॉकेज काज करेगा, इन्फ्लेमेशन, ऑर्गन डैमेज इसके अंदर आ जाएगा, सही। अब स्टोन बन गए हैं, सही। अब स्टोन की ट्रीटमेंट क्या होती है, बहुत सिंपल है। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम इसे नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है कि नाम लिख लेता हूँ, मतलब आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी, सही। और लिथो का मतलब कह लें कि स्टोन होता है, ठीक है। ट्रिप्सी मीन ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। सो यानी स्टोन के ब्रेक डाउन को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। सो इसमें बहुत सिंपल है कि हमारे पास मशीन्स हैं, मशीन्स किस किस्म की मशीन्स हैं कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का आपने नाम सुना होगा, मोस्टली ये बहुत से क्लिनिक्स के अंदर अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गन स्टडी किए जाते हैं, खासतौर पर स्टोन की स्टडी अल्ट्रासाउंड के जरिए होती है, या फिर एक्सरे के जरिए हम देखा जाता है। अच्छा, इसमें डायग्नोसिस में मिस कर गया कि स्टोन को डायग्नोज किस तरह करते हैं, स्टोन की डायग्नोसिस, तो उसमें एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे फिल्म के जरिए हमें पता लगता है, या फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर अल्ट्रासाउंड होता है, किडनी में पेन नजर आती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन के सिम्टम्स। सो सबसे पहले पेन होगा किडनी साइड पर, ठीक है, इसे हम हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, यानी साइड्स बनी होती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेन किडनी साइड पे होगा, सही। और जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, इनका लेवल ज्यादा होता जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में यूरिया यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा। क्यों क्यों ज्यादा हो जाएगा, जाहिर बात जब किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, यूरिया यूरिक एसिड सिक्रीट आउट नहीं होंगे और वो ब्लड के अंदर ज्यादा इनका लेवल आ जाएगा, सही। तो ये डायग्नोसिस के अंदर इसका लिंक होता है। अच्छा, अब हम इसका आते हैं कि किस तरह इसको ट्रीटमेंट, ये बेसिकली हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या थेरापी दे रहे हैं उन्हें, सिंपल लिथोट्रिप्सी के वो जो स्टोन बना है किडनी के अंदर, उसको ब्रेक किया जाएगा थ्रू अल्ट्रासाउंड। मतलब ये आपको स्टोन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, पिक्चर चले मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। सो ये किडनी स्टोन्स हैं, इसके ऊपर ये अल्ट्रासाउंड वेव जो सी हैं वो बम्बार्ड करवाए गए और ये किडनी स्टोन टूट गए हैं, और ये किडनी स्टोन स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी यूरिन से ये रिलीज आउट हो जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अब इसके अंदर बिल्कुल सर्जरी नहीं यूज हुई, ठीक है, यानी ये नॉन सर्जिकल यूनिट है, सॉरी नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, नॉन सर्जिकल है, ठीक है, इसके अंदर सर्जरी नहीं है। और सर्जरी से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि सर्जरी से अगर इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन आ जाए तो बहुत डेंजरस चीज होती है, सही। सो ये बगैर सर्जरी के, यानी विदाउट सर्जरी, आप सिंपल अल्ट्रासाउंड रेज पास करेंगे, वो स्टोन को तोड़ देगा और वो यूरिन के जरिए रिलीज आउट हो जाएगा। सो ये आप कह लेंगे किडनी स्टोन की फॉर्मेशन भी होगी, उसकी डायग्नोसिस भी होगी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, और फिर ट्रीटमेंट भी हमने उसकी बात कर ली। ओके, इसके साथ एक केस और हम पढ़ते हैं रीनल फेलियर का, ठीक है, रीनल फेलियर। रीनल का जो टर्म है वो किडनी के लिए होता है, और फेलियर मीन के एनीथिंग हैड स्टॉप इट्स फंक्शन, सही, कि रीनल स्टैंड फॉर किडनी एंड फेलियर मीन के इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली या इट हैज स्टॉप फंक्शन।
रीनल से मुराद किडनी, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस तरह रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, सही। और फेलियर मीन फेलियर, यानी किस चीज का ना काम करना, निकम्मा होना जिसे हम कहते हैं, निकम्मा होना, सही। सो किडनी का निकम्मा हो जाना किस तरह होता है कि कोई भी वजह हो, मसलन किडनी स्टोन हो, मसलन किडनी स्टोन मौजूद है, एक वजह ये भी हो सकती है। इसके अलावा किडनी स्टोन के अलावा इसके अंदर और क्या कह सकते हैं, किडनी कोई डिजीज हो, किडनी डिजीज, जिस तरह नाम सुना होगा, मसलन गुर्दों में पानी पड़ जाता है, इन्फेक्शन होता है कोई ना कोई, ठीक है, इसे हम किडनी डिजीज को हम इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, रीनल फेलियर की तरफ केस जा सकता है, किडनी काम करना बंद कर सकते हैं। इसमें स्टेजेस होते हैं, मसलन पहले एक्यूट रीनल फेलियर होता है, एक्यूट से मुराद जो अर्ली स्टेज पे होता है, ठीक है, एक्यूट से क्या मुराद है कि अर्ली स्टेज पे, फिर ऐसा ऐसा ये क्रोनिक होता जाता है, क्रोनिक से मुराद यानी ये लेट स्टेज के लिए होता है, ठीक है, लेट स्टेज। सो जो जो कह लें कि किडनी में डिजीज बढ़ती जाती है तो सुकड़ता जाता है, और एक केस आता है जब वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, मसलन ये रीनल फेलियर हो चुका है। रीनल फेलियर के बाद, रीनल फेलियर में जाहिर बात है अब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होगा ब्लड के अंदर, ठीक है, और यूरिया का लेवल ज्यादा होगा, पेन होगी साथ साथ, ठीक है, पेन भी होती है, और ये इसके सारे सिम्टम्स हैं जिसके जरिए हमसे, सॉरी, ये इसकी डायग्नोसिस कह लें, सिम्टम्स में पेन आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसको डिजीज होगी कोई पुरानी, ये सारे आ जाएगी जिसके जरिए रीनल फेलियर का हमें पता चलेगा। ओके, रीनल फेलियर को अगर मजीद डिटेल में जाए ना, सो रीनल फेलियर बेसिकली किडनी किससे बना होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, किडनी का जो फंक्शन यूनिट है वो क्या है जी, नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन अगर डैमेज होगा, नेफ्रॉन के अंदर डैमेज आता है, मसलन उसके ग्लोमेरुलर पार्ट में आता है, ठीक है, जो हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा था ना, उसका जहाँ पे कैपिलरीज होती थी, ठीक है, ग्लोमेरुलस के ऊपर डैमेज आता है, सो उसकी वजह से फिर रीनल फेलियर की तरफ केस ट्रेवल करना शुरू कर देगा। इसी वजह से फिर कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, मसलन यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, यूरिया ज्यादा होगा, पेन फील होगा, इसके अलावा अनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि फिर ब्लड लॉस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड लॉस, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेशाब के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, सही। सो ये रीनल फेलियर के केसेस हैं, और ये बहुत सीवियर किस्म के होते हैं, इवन अगर किडनी काम करना बंद कर दें तो, और जो जानदार है, ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं, उसकी डेथ विद इन डेज हो सकती है, ठीक है, 2-3 दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये थोड़ी महंगी भी होती है, सही। मसलन एक तो ट्रीटमेंट होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है कि किसी दूसरे डोनर का जिसका ब्लड ग्रुप मैच करे उसका किडनी को निकाल कर, सही, वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन होता है, डेट इज डायलिसिस, सही। ये दोनों डिटेल टॉपिक्स हैं, डायलिसिस का भी और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का भी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सो अब तक जो हमने पढ़ा वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मसलन हमने स्टार्ट किया किडनी प्रॉब्लम से, तो इसमें हमारे पास दो प्रॉब्लम्स मेन जो हमने डिस्कस किए, एक तो किडनी स्टोन्स हैं, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट भी देखी, और उसके बाद हमारे पास रीनल फेलियर है। सो किडनी स्टोन का लिंक कहाँ पे होता है कि जब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है, उस टाइम अगर कैल्शियम आयन ज्यादा हो, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड मौजूद हो, तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम ऑक्सैलेट बना लेते हैं, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सैलेट अकोमुलेट होता जाता है, स्टोन बना लेगा, वो ब्लॉकेज करेगा, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ऑर्गन डैमेज और रीनल फेलियर हो जाता है, सही। सो ये इसकी एक डायग्राम भी, जिसके अंदर आपको किडनी नजर आ रहा है, जिसके एक इस जगह पे स्टोन बना हुआ है, एक नीचे स्टोन बना हुआ है, सही, और ये ब्लॉकेज काज करता है, और इससे बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है। स्टोन्स की दो टाइप्स मेनली होती हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट है, कैल्शियम यूरिएट है, ये दो मेन स्टोन्स की टाइप्स हैं, यूरिएट्स और ऑक्सैलेट्स, ठीक है। ऑक्सैलेट हमने कहा ये वेजिटेबल सोर्स से आता है, मसलन टोमेटोज के अंदर इसकी बहुत ज्यादा रेशियो होती है, सही। और फिर हम चले गए इसके ब्रेकडाउन पर, ठीक है जी। हमने कहा जी अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कि इसका एक बहुत अच्छा कह लेंगे मॉडर्न एज के अंदर ट्रीटमेंट है, जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, दैट इज स्टोन ब्रेकडाउन इसमें होगा, और ये नॉन सर्जिकल होता है। इसका सबसे बेनिफिशियल जो पॉइंट है ये है कि ये नॉन सर्जिकल है। सिंपल क्या होगा कि स्टोन्स को हम शॉक वेव्स प्रोवाइड करेंगे, अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स, जिसकी वजह से स्टोन क्रश होगा और यूरिन के जरिए वो पास आउट हो जाएगा। उसके बाद रीनल फेलियर पे आए,
किडनी निकम्मा किस तरह होता है कि बाद दफा क्या था किडनी स्टोन ज्यादा देर तक मौजूद रहे, उसकी ट्रीटमेंट ना हो, या फिर कोई किडनी की बीमारी हो, लाइक इन्फेक्शन वगैरह हो जाए किडनी का, सही? सो उसके वजह से किडनी डैमेज स्टार्ट हो जाता है, पहले एक्यूट स्टेजेस में होते हैं, फिर क्रोनिक स्टेज में, यानी डिजीज पहले अर्ली फेज में होगी फिर लेट फेज में, यानी अर्ली फेज में होता है कि अगर इलाज करवाया जाए तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेट स्टेज में रिकवरी बहुत मुश्किल होती जाती है, सही? और ज्यादा क्रोनिक आ जाए तो फिर रीनल फेलियर हो जाता है, सही, क्रोनिक डिजीज के अंदर। सो इसकी फिर इंडिकेशंस क्या थी कि ब्लड के अंदर, सही, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और यूरिया इनका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको रिमूव करना किसका काम है, किडनीज का, ठीक है, किडनीज इन्हें रिमूव नहीं करेगा तो ब्लड के अंदर इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, सही। और फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें एक डायलिसिस है, ये हर हफ्ते बाद करवाना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और डायलिसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।